अभी देख रहे हैं मेरे सामने खड़ी है मार्क ग्रे कलर, तो बहुत ही डिमांडेबल कलर है ये। राउंड शेप में ही हेडलाइट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको दो लाइट्स मिल जाएंगी छोटी छोटी। जैसा कि बना था तीनों ही वेरियंट्स में आपको हैवी मेटल का आपको मडगार्ड मिल जाएगा, जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाएंगे हमारे रिफ्लेक्टर के साथ में, और डुअल चैनल ABS के साथ में ये भी गाड़ी हमें मिलती है। और यहाँ पे 300 mm का हमारा डिस्क आ जाता है, MRF के टायर हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, 190 19 इंच के हमारे टायर आ जाते हैं यहाँ पे, और MRF के ही टायर हमें देखने को मिलते हैं। और आ जाते हैं हम इसके इंजन की तरफ, तो वही 349 cc का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा, और ऑयल और एयर कूल्ड इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैक कलर में आपको मैट ब्लैक कलर में पूरा इंजन मिलता है जो, और यहाँ पे टैंक पे हमें कुछ एक कोड मिल जाता है, आप देख सकते हैं कोड आ जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं RE की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है, तो ये कंपनी का कह सकते हैं कोई कोड है जो टैंक पे है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, इसके लुक आप देख सकते हैं बहुत ही अलग लग रहा है। और 13 लीटर का हमें फ्यूल टैंक इसमें मिल जाता है, लगभग 35 पर लीटर हमें इसमें माइलेज भी इसमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर हमें मिल जाता है 350 का, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ईगल स्टिकर इसे हम कह सकते हैं, ईगल के आप देख सकते हैं यहाँ पे पंख, और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंटर स्टैंड एंड साइड स्टैंड हमें यहाँ मिल जाता है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सारी गार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और 5 SI हमें यहाँ पे चैन कवर मिल जाएगा देखने को, और डुअल सस्पेंशन हमें रियर में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ एग्जॉस्ट की बात करें तो ब्लैक कलर का ही आपको पूरा एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है, और 270 mm का रियर डिस्क हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी स्टिकर हमें देखने को पैनल पे मिल जाते हैं, और कलर आप देख सकते हैं, कलर आप मुझे बताइए कमेंट में, बहुत ही ज़बरदस्त कलर लग रहा है। और यहाँ पे भी हमें कुछ कोड मिल जाते हैं टैंक के पास, RE की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये एक मशाल लिए हुए आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टिकर लग रहा है ये। तो टैंक की खूबसूरती लाजवाब है। और इंजन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है, जो गुदी हुई है पूरी है। तो इंजन आप देख सकते हैं पूरा बल्कि इंजन हमें मिलता है। और आ जाते हैं हम सीधे सीधे इसके मीटर की तरफ, तो मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी आपको एनालॉग मीटर मिलता है। तो आप जैसे ही चाबी ऑन करेंगे एक बार ये पूरी इसकी सुई राउंड लेगी, तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसे बंद कर देता हूं, और ये देखिए आप, और यहां पे हमें डिजिटल मीटर मिल जाता है छोटा सा, ABS मिल जाता है, बैटरी का मिल जाता है, फ्यूल का मिल जाता है यहां पे हमें। और यहां पे हमारे ट्रिप आ जाएंगी, इको मोड वगैरह आ जाएंगे, फ्यूल का ऑप्शन आ जाएगा, क्लॉक आ जाएगी, किलोमीटर का आ जाएगा, तो काफ़ी सारे फीचर्स आप देख सकते हैं इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और मैट ब्लैक में ही आपको यहाँ पे हैंडल मिलता है, और ब्लैक कलर के ही हमारे पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो आपको मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, तो मिरर्स आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के ही मिलेंगे। तो पूरी गाड़ी आप देखिए लाजवाब लग रही है पूरी। और वही ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 195 kg की हमें पूरी गाड़ी मिल जाती है देखने को, और 805 mm की सीट हमें इसमें भी देखने को मिल जाती है। तो तीन कलर आते हैं, तो तीनों कलर में लगभग वेट आपको सेम ही मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस सेम ही मिलेगी, फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ आपको सेम ही मिलेगा, कलर का डिफरेंस आपको तीनों ही बाइक्स में देखने को मिल जाएगा, और प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कोहड़ा पीर से सूरी सेल्स आके बरेली में तो सभी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, बुकिंग बस आपको करानी पड़ेगी। ध्यान रहे, अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं या रॉयल इनफील्ड की कोई भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए 90 से 120 दिन की बुकिंग आपको करानी ही पड़ेगी। बाकी आप यहाँ आइए, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप बात कर सकते हैं फ़ोन पे भी। और अब हम कर लेते हैं सीधे इसके प्राइस की बात। तो बरेली में अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 2,53,000 रुपये ऑन रोड हमें विद एसेसरीज पड़ती है, और बाकी फिर भी आप प्राइस एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं कलर का फ़र्क आ जाता है, जो मैंने 40,000 रुपये था तो लगभग इसमें 13-14,000 रुपये आपके प्राइस और बढ़ जाता है। कुछ कलर का भी आप देख सकते हैं, काफ़ी डिमांडेबल कलर है ये, और काफ़ी डिमांड है इस कलर की। तो गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो
आपको कैसी गाड़ी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अपडेट रहने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।